बिजनौर जनपद के दारानगर गंज में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अरिस्टो कंपनी के बारे में किसानों को बताया कि आलू की पैदावार से किसानों को कंपनी के द्वारा लाभ पहुंचेगा और क्षेत्र में बेरोजगारी भी कम होगी। बेल्जियम से आए एग्रोहेड जोहन रोबर जो पूरे विश्व के आलू की खेती की नई तकनीकी के विशेषज्ञ हैं और आलू की उन्नत खेती के अधिक उत्पादकता के लिए टिप्स दिए और कहा कि फैक्ट्री आलू किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही हर वर्ष निरंतर आलू के क्षेत्रफल को बढ़ाएगा। कंपनी के एग्रो डेवलपमेंट मैनेजर नरेंद्र कांटा ने गोष्ठी में गत वर्ष में किसानों के साथ हुई उपलब्धि का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कंपनी के एचआर हेड राजीव बिश्नोई ने कहा कि फैक्ट्री के लगने से क्षेत्र में नए रोजगार सृजित होंगे और अन्य व्यापार के रास्ते भी खुलेंगे, जिससे खेत के किसानों का चहुमुखी विकास होगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह ने बताया कि उच्च तकनीक से आलू उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय दुगनी होगी। संगोष्ठी में जनपद बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा के उन्नतशील किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख निर्मल सिंह गढ़मुक्तेश्वर को दिया गया। पुरस्कार की लिस्ट में 9 नाम दर्ज किए गए हैं, जो प्रथम और द्वितीय तृतीय के रूप में दर्शाए गए थे। सभी किसान को पुरस्कार मिलने पर बड़ी खुशी हुई और कंपनी के द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए किसानों ने हुंकार भरी। आलू की खेती से नगद भुगतान मिलता है, जिससे किसान को काफी लाभ होता है। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर। साथियों, जनपद बिजनौर की यदि बात की जाए तो हमारे जनपद बिजनौर में प्रमुख फसलों में गन्ना, गेहूं, धान, सरसों, दलहन इत्यादि फसलें आती हैं। इसमें अगर गन्ना की बात की जाए तो गन्ना के लिए एक सुनिश्चित बाजार है, क्योंकि उसके लिए गन्ना मिले स्थापित हैं। गेहूं और धान की बात की जाए तो उसका सरकारी स्तर पर खरीद होती है, इसे इन तीन फसलों को बेचने में किसानों को कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा हमारे कुछ किसान साथी जैसे सब्जियाँ वगैरह की खेती करते हैं, तो उनके लिए सब्जियों का भी सुनिश्चित बाजार नहीं है। सब्जियों में विशेषकर अगर हम आलू की बात करें तो आलू की खेती हमारे जनपद में किसान करते तो हैं, लेकिन उनकी क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है। लेकिन विगत अभी पिछले कुछ वर्षों से पता लगा है कि हमारे जनपद बिजनौर में आलू की प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की गई है, जिसमें कि आलू के तरह पाउडर, चिप्स वगैरह बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे उसमें जो मैन पावर है, जिसे लेबर जिसे बोलते हैं, वह है जनपद बिजनौर के ही लोग हैं, अच्छा है। और साथ ही साथ अगर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हुई है तो उसके लिए जो कच्चा माल जैसे आलू है वह हमारे जनपद के किसान ही उगाएंगे, वहीं से आएगा। तो इस तरह अगर हमारे जनपद बिजनौर में अगर आलू की प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित होती हैं तो उसके लिए जो कच्चा माल आलू है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हमारे जनपद के किसान साथी जो गन्ना, गेहूँ, धान की खेती कर रहे हैं, वह अपनी खेती में आलू की खेती को बढ़ावा देंगे। तो अच्छा है कि आप अगर ये सरकार या जिस भी स्तर पर अगर आलू की प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, अगर किए जाने का प्रयास किया जाएगा, तो जनपद बिजनौर के किसान आलू की खेती की तरफ रुख करेंगे और अपना क्षेत्रफल आलू में अवश्य बढ़ाएंगे। Today we have invited our farmers for an evaluation of last season. We are growing now for 4 years potatoes together with this group, and step by step we see that the results are improving. We evaluated the results of last year together with the total group of farmers, and we expressed our plans for the coming years. And what is in for the farmers, that is, we will double our area the coming year, the year after we will double again and double again. So potato production in UP will increase and improve, which will be very profitable for this group of farmers. कंपनी के द्वारा रोजगार भी दिया गया है और आपकी फैक्ट्री से जो किसानों को लाभ पहुंचा है वो कहाँ तक ठीक है? I will answer this. एग्रिस्टो मासा का बिजनौर में आना जनपद और क्षेत्र के लिए सुनहरे अवसरों को खोलना है। यहाँ हम केवल रोजगार के सृजन ही नहीं विकसित कर रहे हैं, उसके साथ साथ में चूँकि हमारा जो उत्पाद है वो आलू से जुड़ा हुआ है, सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, तो किसानों की आय में वृद्धि होना और यहाँ लोगों को रोजगार मिलना, तो ये स्वतः ही क्लियर है कि ये क्षेत्र के चहुमुखी विकास में सहयोग करने के लिए एग्रिस्टो मासा जो है कटिबद्ध है। आने वाला समय बताता है कि आपकी फैक्ट्री और भी लंबी छलांग लगाने वाली है और रोजगार भी काफ़ी मिलेगा और हमारे उत्तर प्रदेश बिजनौर में काफ़ी लाभ पहुंचेगा, क्या कहने से? हाँ, हम लोगों का काफ़ी अच्छा फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, उसी प्लान में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन लास्ट ईयर जून 2022 में शुरू हो चुका है और जैसे जैसे आगे हमारा उत्पादन बढ़ेगा उसी तरह से ऑब्वियसली रोजगार के भी क्षेत्र और खुलेंगे और उसका क्षेत्र को ही फायदा
होना स्वाभाविक है।